को स्कल्प करके आपके ईयर को टाइट करने का काम करता है। मैं इसको हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज प्रियश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आप में से बहुत सारे लोग स्किन टाइटनिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कोई रिव्यू वीडियो शेयर किया था जिसमें वो लेडी मुझसे स्किन टाइटनिंग के बारे में पूछ रही थी। आई ऑलरेडी सेट टू हर कि कैसे करना है, बट द थिंग इज कि मैं आज आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आई हूँ। और ये जिनकी भी स्किन झूल गई है, जो कि ग्रेविटी की वजह से, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर कि आपकी स्किन नीचे की तरफ जाएगी, आपके बूब्स नीचे की तरफ जाते हैं, बट हाथ की जो मसल है सब नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें फेस भी नहीं अछूता रहेगा, वो भी होगा। बट आप कैसे अपनी स्किन को टाइटन अप कर सकते हो, ये किसी क्रीम से नहीं हो सकता डेफिनेटली। बट अगर आप जो है आपके फेस पर अच्छा ग्लो आ गया स्किन जीनी को यूज करते हुए, मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन कुछ नहीं और सिर्फ एक टाइटनिंग इफेक्ट अभी आपको चाहिए, तो ये जो प्रोसीजर है आपके लिए होने वाला है। जो मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ, मैं सिर्फ वही चीज आपको बता रही हूँ और इससे ही आपको काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिल जाएंगे। द सेकंड थिंग, ये जो वीडियो है कोलैबोरेशन विद माय हॉल स्टोर, एंड ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, प्रत्येक प्रोडक्ट आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे और कोई बहुत ही हेक्टिक भरा चीज नहीं है, वेरी सिंपल थिंग एंड बहुत ही इजी पीजी है। मेन चीज़ और है ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो है डे टाइम में करूँ, जो दिन का स्किन केयर रूटीन है, बिकॉज जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो हो जाए और आपकी जो बॉडी है, जो जो स्किन है वो स्ट्रक्चर्ड लगे, ठीक है। तो आपको ये डे टाइम में ही करना है। सेकंड चीज़, दो टाइम आपको नहीं करना है, स्ट्रेस इतना स्किन को नहीं देना, नाइट में आप अपना स्किन जिन यूज़ करिए एंड गुड टू गो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वॉश्ड माय फेस एंड एवरीथिंग, मैं स्किन जीनी सोप यूज करती हूँ। मेरी स्किन बहुत अच्छी फील हो रही है, यहाँ पर मुझे मच्छर ने काट लिया है, बट आई फील सो रिफ्रेशिंग। और मेरी स्किन, मैंने वापस से स्विच कर दिया मैन सोप पे, बिकॉज माय स्किन फील सो अमेजिंग और मेरे को टैनिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही मेरी स्किन सेंसिटिव हो रखी है अभी, क्योंकि सम टाइम हो जाती है यू नो पीरियड वीरियड के टाइम पे। सो नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू यूज टोनर एंड दिस इज द बायोक्यूल टोनर। ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, तो आई थिंक हाफ वे मैं डन हो चुकी हूँ इससे, और इसका सेपरेट जो रिव्यू है वो ऑलरेडी या तो अपलोड हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। दिस इज वेरी नाइस टोनर, आई परचेज इट और मैं इसको यूज कर रही हूँ। दिस इज अ ग्लो टोनर बाय द वे। तो ये जो है पानी जैसा टोनर है, इट्स नॉट हाइड्रेटिंग और एनीथिंग, बट ये जो टोनर है ये एक्सफोलिएटिंग टोनर है, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपने नेक तक भी लेके आए, क्योंकि अभी हम जो भी चीजें करेंगे वो नेक पर भी लागू होगा। ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे स्टेप बहुत जरूरी हैं, दिन में ही करना है और इनको, ओके। सो आई अप्लाइड इट और उसके बाद आपको एक इमोलिएंट की जरूरत होगी। देखिए मैं तो यूज करती हूँ जो है ये मेरा स्किन जीनी का डे क्रीम, इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड इमोलिएंट, जो कि एक स्लिपरी जो है ग्लाइडिंग देगा मेरे फेस को। बट उससे पहले हम यूज करेंगे ये फेस रोलर, लुक एट दैट। सो दिस इज द फेस रोलर और ये जो है आपके जॉ लाइन को स्कल्प करके आपके ईयर को टाइट करने का काम करता है। मैं इसको सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, इसके लिए और अपने फोरहेड के लिए। सो दिस इज़ द रोलर, फेस रोलर, इस पर निकेल की परत है और मैं ये जो असली ओरिजिनल वाला है उसी का लिंक मैं डालूंगी, अमेजोन पे मिलता है ये, बाकी फेक भी मिलता है बट ये असली वाला है, ठीक है। इस पर निकेल बना डला हुआ है, अ लिटिल बिट कॉस्टली बट वर्थ, ये कभी ख़राब नहीं होगा आपका। तो आपको यहाँ पर रखना है अपने फेस पे और इसको इस तरीके से पकड़ना है, देखो ऐसे, एंड देन ऊपर चलाना है इसको। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी वीडियो, ज्यादा नहीं, 6 to 7 times। वैसे तो फेस मसाज का रूल होता है 9 times का, बट मैं 6 to 7 times चलाती हूँ एंड देन आई एम डन, लुक एट दैट, एंड देन दिस साइड ऑल्सो। आप गिन लो या फिर आप अंदाजे से 6 times चला लीजिए। मैं इसको ड्राई फेस पर ही करती हूँ जिससे मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी जाग जाए। अच्छा, इससे आपको थोड़ी रेडनेस हो सकती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, वो चली जाएगी। एंड देन फॉर फोरहेड, फोरहेड को ऊपर की तरफ, अगर आपको फोरहेड पर लाइन है, आपकी आंखें झूल गई हैं, तो उसके लिए करना है आपको वही 5 to 6 times आपको चलाना है रोलर ऊपर की तरफ। फेस को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, आपको खिंचावट नहीं करनी है फेस पर, एंड देन यू जस्ट मसाज लाइक दिस और रेडनेस इज कम्प्लीटली फाइन, नथिंग मेजर, कोई दिक्कत नहीं होती रेडनेस से, हो गया। अब उसके बाद हम अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सो दिस इज द मॉइस्चराइजर और ये मैं डेली करती हूँ बाय द वे, ठीक है। यू नो स्किन केयर एंड ब्यूटी इज वर्क,
तो उसके लिए करना ही पड़ता है. आई एम यूजिंग दैट स्किन जीनी क्रीम. सो आई एम यूजिंग दिस स्किन जीनी डेली डे मॉइस्चराइजर प्लस नाइसिनामाइड क्रीम. इट हैज़ अ कोजिक एसिड एज वेल. परफेक्ट है. बहुत कम बची है. जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो रही है. आई थिंक ना करते आई थिंक 50 पीसेज ही लेफ्ट है हमारे पास. देन फिर वी रीलॉन्च इट लाइक 50 ग्राम के पैक में हम ये वापस भेज ले आएंगे. उसके बाद आई थिंक प्राइस वाइज थोड़ा इंक्रीज होगा, बट ये अभी तो सस्ते में अवेलेबल है, तो आप जाके ले सकते हो. तो मैं इसको लूँगी. और इस क्रीम का फ़ायदा ये है कि ये एक ग्लाइड देता है फेस के ऊपर. ठीक है, तो ग्लाइड के लिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यूज़ करना है मेरा फेवरेट गुआशा. गर्दन पर भी लगाइए. ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए कि जो गुआशा होते हैं वो बहुत तरह के आते हैं. आई नेवर एवर यूज़ द स्टोन वन बिकॉज मैंने वो खरीदे थे, दे आर कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ द टाइम एंड मनी. बट वेन यू बाय दिस स्टील गुआशा, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर रियल. ओके, तो गुआशा को यूज़ करना बहुत डिफरेंट है. सब लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन देर आर सो मेनी टेक्निक्स. बाकी आपको टेक्निक्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, बट मैं यहाँ पर मिनिमल आपको बता देती हूँ जिसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो. गुआशा का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि नीचे का जो ये फैट है ये हमें ऊपर लेके जाना है. ठीक है, तो ये वाला नीचे और जो छोटा वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा. दिस इज हार्ट शेप. और जो पत्थर वाले आते हैं, जो स्टोन के आते हैं, उनमें वो रहता ही नहीं है, वो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है. तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके यहाँ पे. Then we have to do this first. ये आपको 5 बार करना है या 6 बार कर सकते हो आप. और स्टडी पकड़िए प्लीज इसको. एंड देन दिस साइड. हो गया. एंड देन ये अपना हाथ पकड़ेंगे और जो बड़े वाला हिस्सा है, दिस वन, वी हैव टू डू दिस. अपनी आईज के पास है ताकि हमारी आईज जो है लिफ्टेड लगे, डबल आई लिड लगे उसमें. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर बाय द वे. सब कुछ हमें नीचे की तरफ ले जाना है. देन द नेक्स्ट स्टेप, नेक दूसरी तरफ. आपको ये थोड़ा होल्ड करके रखना है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बस होल्ड करके रखना है. और इस मसाज को आप सिर्फ फील कीजिए. 5 times, 6 times, जो भी आपको ठीक लगे. ओके, एंड देन वी हैव टू सेम वो बड़े वाला हिस्सा, नाक को पकड़ना है, नेजलेबियल फोल्ड को थोड़ा सा मसाज करना है, एंड देन ऊपर की तरफ. हर एक चीज को पकड़ना जरूरी है ताकि वहां की स्किन टाइट हो. स्किन सेंसिटिव है तो 3 बार कीजिए, उसके बाद बढ़ा देना. ओके, एंड देन पीछे का हिस्सा, यहां से हमारा लिम्फ जो है ड्रेन होता है. सो दिस पार्ट एंड देन दिस साइड. दैट्स इट. अपने गुआशा को वॉश करके रखिएगा. आपको थोड़ी रेडनेस दिखेगी बट ये अपने आप चली जाती है. इट्स नथिंग मेजर. एंड आपका स्किन जो है इंस्टेंटली जो पफ्ड लगेगा, लाइक एकदम स्कल्प्ट लगेगा, काफ़ी सही लगेगा. रेडनेस लगेगी बट ठीक लगेगा. बट इसके साथ साथ आई हैव सम अमेजिंग फेस मसाज टेक्निक विच आई यूज लाइक फॉर 2.5 years, जिसकी वजह से मेरा स्किन जो है, मेरे फीचर्स भी मेरे लगभग चेंज हो गए हैं. मैंने एक यूक्रेनियन से सीखा था, वो उसकी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा. बट उसके बाद हम लास्टली अप्लाई करेंगे अपना सनस्क्रीन, बिकॉज ऑलरेडी अप्लाई द मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग. एंड सनस्क्रीन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन जीनी सनस्क्रीन SPF 50 है इसके अंदर. SPF 50 है इसके अंदर, जिससे जो है आपकी स्किन जो है अच्छी हो जाती है. SPF 50 है इसके अंदर, जिसको आपको रीअप्लीकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही साथ इसके अंदर जो है विटामिन सी भी है. सो अप्लाई द सनस्क्रीन. दिस इज द लास्ट स्टेप. और ये स्टिंग नहीं करता आंखों को. मेरे को सनस्क्रीन ना अपने आंखों में सबसे ज्यादा स्टिंग करती है. ओप्स, सो दिस गिव मी अ वेरी रेडिएंट ग्लो. ओके, सो दीज आर 7 to 8 थिंग्स.
दे आर मस्ट फॉर स्किन टाइटनिंग. ये जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो बताया ना, आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए, यू विल सी विद इन अ वन मंथ रिजल्ट. और जो लिम्फ ड्रेन का सिस्टम जो है वो तो आपको पहले दिन में फील, ये ग्वाशा वगैरह यहाँ यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने. दे आर वेरी वेरी लाइक स्टडी थिंग एंड आई ऑलरेडी कैप्ट इन लाइक दिस. मैं इसको ऐसे रखती हूँ हमेशा संभाल के, मैं इसको इधर उधर फेंकती नहीं हूँ, धो के रखना है बाय द वे इसको. इसको यहाँ रख देती हूँ एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. डू दिस और आप मुझे थैंक यू बोलना आकर के मेरी वीडियो के अंदर, मैं बहुत खुश होंगी. एंड डेफिनेटली दिस इज वर्क्स फॉर एवरीबडी, सबके लिए काम करेगा, सबके लिए अच्छा एंशियंट टेक्निक है, गो यूज इट. एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए. जय हिंद, बाय बाय.